गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बच्चों का सबसे फेवरेट नाश्ता कैबेज मंचूरियन बनाएंगे घर पे ही और घर के बेसिक सामान से। यह है पत्ता गोभी और ये 600 ग्राम है और हम इसको काटना शुरू करते हैं। मैंने पत्ता गोभी को 4 हिस्सों में काट लिया है और हम इसको ग्रेटर से ग्रेट कर देंगे। मैंने पत्ता गोभी ग्रेट कर लिया है और हम एक बाउल में निकाल लेंगे इसको। हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे और 1 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे और इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसको हाथ से मिक्स कर देंगे। इसमें कैबेज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा मैदा डाल देंगे और इसमें हम 3 टेबलस्पून मैदा डालेंगे और इसमें हम 3 ही टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये देखो पत्ता गोभी कितनी अच्छी बाइंड हो गई है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे सारी। अब हमारी बॉल्स बनके तैयार हैं। देखो हमारी इतनी बॉल्स बनी है ना। और मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने इसमें तेल डाल दिया है और हम इसको तेज आंच पे सेकेंगे। अगर हमने बॉल को कम आंच पे डाला तो बॉल बिखर जाएंगे और उसके बाद जब हम सेकने लगेंगे तब हम आंच को मध्यम कर देंगे। अब हमारा तेल तैयार है। अब हम इसमें ये बॉल डालेंगे। अब हम सारी बॉल डाल देंगे। हमारी बॉल सिक रही हैं। देखो कितनी अच्छी, कितना अच्छा कलर आ रहा है और हम इनको गोल्डन ब्राउन तक सेकेंगे। अब हमने आंच को मध्यम कर दिया है और हम इनको अच्छे से सेकेंगे, नहीं तो हमारी बॉल अंदर कच्ची रह जाएंगी और इनमें पत्ता गोभी का टेस्ट अच्छे से आना चाहिए। अब हमारी बॉल देखो सिक गई हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें तेल डाल दिया है। इसका मसाला तैयार करेंगे।
सबसे पहले इसमें हम लहसुन डालेंगे और इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा डलता है, इसकी होंगी कम से कम 15 कलियाँ, इसमें लहसुन की 15 कलियाँ ली हैं और इसमें लहसुन ज़्यादा डलता है। और हमारा लहसुन कुक हो गया है तो हम इतना ही कुक करेंगे। अब हम इसमें मिर्ची डाल देंगे और मैंने 2 मिर्चियाँ ली हैं और हम मिर्चियों को भी हल्का सा ही पकाएंगे और तेल डाल। अब हमारी मिर्ची भी हो गई है, अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज ज़्यादा मैंने सब्जियों को ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। ये 2 शिमला मिर्च थी हमारे पास, छोटी शिमला मिर्च थी और ये 2 है और हम इसको तेज आंच पे ही सारी सब्जियाँ कुक करेंगे जिससे कि हमारी सब्जियाँ एकदम क्रिस्पी रहें। अब हम इसमें रेड चिल्ली सॉस डालेंगे। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून रेड चिल्ली सॉस डाल देंगे और हम इसमें 2 टेबल स्पून टमाटो पेस्ट डाल देंगे। फिर कुक करेंगे और अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। अगर इसकी तरी गाढ़ी रखनी है तो इसमें कम पानी डालें और इसको थोड़ा सा पतला रखना है तो थोड़ा सही पानी डालें। और अब हम ये मसाला तैयार होने देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे और इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल रहा हूँ। 1 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। ये है मेरे पास कॉर्नफ्लोर, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और हम इसको पानी डाल देंगे इसमें और हम एक इसका पतला सा पेस्ट तैयार करेंगे और इसमें बिल्कुल चाहिए माखन और इसका एक पतला सा पेस्ट तैयार करें। और मैंने जो पेस्ट तैयार किया था वो इसमें हम डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर का पेस्ट डालने के बाद देखो कितना गाढ़ा हो गया है और कितना ठीक हो गया है। और हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे अपने घर पे ही। कैबेज मंचूरियन बनाए घर का ज़्यादा अच्छा होता है बाजार से। और इसमें सोया सॉस भी डलता है लेकिन मेरे घर पे सोया सॉस कोई भी नहीं खाता, इसलिए मैंने नहीं डाला है और आप ज़रूर डालें, हमारे घर पे कोई पसंद नहीं करता। अब हम इसमें अपनी वॉश डालेंगे और बच्चों का फेवरेट नाश्ता कैबेज मंचूरियन बनके तैयार है। अब हम इसमें धनिया डालेंगे और कैबेज मंचूरियन पूरी तरह से तैयार है। हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसको बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। हमारी कैबेज मंचूरियन बन के तैयार है। बताइएगा जरूर कैसी लग रही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। देखिए।